अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अफ्तारी का टाइम हुआ चाहता है। अल्लाह पाक अपनी नियमते रहमते अता फरमाए। परवरदिगार आलम रहती दुनिया तक सब मुसलमानों पे अपना रहम करम फजल खैर करे। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान है परवरदिगार उन पे अपनी नियमते रहमते बरकत अता फरमाए। या रब्बुल आलमीन अपनी नियमते अपनी रहमते अता फरमा दे। मेरे बहन भाई बहन सब बहन सब मुस्लिम मोमिन मोमिनात परवरदिगार वो बता फरमाए बेहिसाब रिस्क अता फरमाए। اللهم انزل لنا مائدة من السماء تكون لنا إذا لبها لنا وخرنا مائدة منك وطلقنا وانت خير الرازقين آمين يا رب العالمين. कितना बड़ा लोग है, बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं। अगर रोज़मेरी का पौधा इसमें खुशबू आती है बहुत ज़बरदस्त। यहाँ बहुत तादाद में उगे हुए, ये रहा मेरे को पता देखिए झड़ गए, अब उसके अंदर फल आएंगे। ये मेरा जैतून का है, ये मेरे इंजीर का है, ये मेरे गुलाब गुलाब निकलना शुरू हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त है, सब पौधे निकल आए हैं मेरे छोटे छोटे, मैंने लगाए भी फूल आ गए। ये रुबिया कितने खूबसूरत लगते हैं, मुन्ने मुन्ने से खुदा की शान है। ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, ये गुलाब भी निकल रहा है अभी शुरुआत है सब। ये फूल भी बड़े खूबसूरत लगते हैं माशाल्लाह। ये मेरा गुलाब ठीक है माशाल्लाह, कैसा हरा भरा हो गया, खूबसूरत लग रहा है। और मेरी प्याज देखें कितनी बड़ी बड़ी हो गई माशाल्लाह से। ये छोटा सा गुलाब अभी एक एक फूल कहीं कहीं निकल रहे हैं, अभी तो बहुत निकलेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा सफ़ेद गुलाब है, इसके अंदर भी गुलाब खिलेंगे। ये पौधे हैं हम लोग लगा रहे हैं टमाटर के पौधे। सर्दी हो रही है, मेरे हस्बैंड जो हैं वो लगा रहे हैं। और ये जैस्मिन का पौधा है, इसमें बहुत फूल खिलेंगे, जब खिलेंगे तो दिखाऊंगी, पूरा सज जाता है। ये येलो एंड रेड गुलाब है जो मेरे बेटे ने मुझे सालगिरह पे दिए थे, मैंने यहाँ लगा दिए। ये इंग्लिश फूल सारे ख़त्म हो गए हैं क्योंकि अब सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं। इधर हमने आलू बोए हैं और ये लेवेंडर लगा हुआ है खूबसूरत, अब इसमें भी फूल आएंगे जैसे ही वो। और ये है मेरी चमेली, चमेली चमेली की शादी, चमेली का पौधा है। ये छोटा सा था, बड़ा हो गया माशाल्लाह। और ये मेरा ऑलिव है, ऑलिव भी बड़ा हो गया, इसको हमने सीधा करके बांधा तो ये बेचारा सीधा हो गया। ऐसे ब्लैक ऑलिव लग लेते हैं। ये मेरे अनार में कोपले निकल आई हैं, ये भी इतना बड़ा हो गया, 3 साल का पौधा है। ये अभी सब इधर हमने प्याज लगाई है तो छोटी छोटी सी निकल आई है, और ये जून जुलाई तक अच्छी बड़ी बड़ी हो जाएगी। और ये मेरे हस्बैंड जो हैं सब लोग यहाँ वो लगा रहे हैंगे टमाटर के पौधे। और ये बहुत अलग किस्म के पौधे हैं, बड़े बड़े वाले टमाटर मंगवाए। इस टमाटर का नाम है मान तो कर लो, इसके पौधे लगा रहे हैं अभी, उसके भी लगाएंगे हम लोग, बैंगन के। और ये मेरा है प्यारा प्यारा लवली लवली एप्पल ट्री, जब इसमें फूल आना शुरू हो गए हैं, जब इसमें फूल खिलेंगे तो बेहद खूबसूरत फूल खिलते हैं इसमें। ये इतना भला हो गया, इतना भला, और अब रहमत छा रही है माशाल्लाह। और घटा आप देख सकती हैं किस कदर के बादल हैं। और ये अनार का, एक वो अनार का, सुभान अल्लाह। अभी इसमें नन्हे 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 फूल हैं, बहुत ही पारे पारे। मेरे हस्बैंड जो है वो लगा रहे हैंगे पौधे, मेरी खुशी के लिए वो खुद पौधे लगाते हैं। ये देखिए प्यारा सा गुलाब, अभी ये छोटे छोटे खिल रहे हैं, जब ये 1-2 महीने बाद दोबारा से जब आएंगे तो बहुत ही भर के आएंगे, बेहद खूबसूरत माशाल्लाह। ये मेरा बहुत प्यारा पौधा है, इसका नाम मुझे इतना आता नहीं, लेकिन जब फूल आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी सर्दी है, इसमें भी फूल आना शुरू हो गए, एकदम सफ़ेद होते हैं। पता नहीं दिन का राजा है रात की रानी है, नहीं रात की रानी तो नहीं हो सकती। इसका नाम है चमेली, यहाँ पे कहलाती जैस्मिन कहते हैं, हम चमेली कहते हैं, चमेली कुछ बहुत जैस्मिन। जो हमारे पड़ोसी हैं, इनकी औरत बेचारी पिछले साल 2 साल पहले गुजर गई,
वो बहुत ही अच्छे से सजा के रखती थी पौधों को, अब कोई देखता नहीं है इतने पौधे उसके। और लीमू के भी पौधे हैं, चीज़ें हैं बड़ी खूबसूरत है। ये हमारा जो है इसमें टिक्के कबाब बनाते हैंगे, नहीं गर्मियों में बनाएंगे, सर्दियों में नहीं। अभी इन्होंने खड्डा खोदा है, यहाँ पे सारे बैंगन के लगेंगे, आप देखिएगा ये सब यहाँ पे प्यारे प्यारे बैंगन निकलेंगे। और ये मेरे मौसम्बी का है, ये पूरा जल गया था लेकिन अब ये जो है ज़मीन से नई शाखें निकाल रहा है। ये अंजीर का पौधा है, ये हमारे बराबर में नर्स रहती है, बहुत अच्छी औरत है, ये हमें हर साल अंजीर देती है। 2 साल पहले जब मेरी बहन अमेरिका कनाडा से सब आए थे पाकिस्तान से, तो उसने सबको खिलाई थी और सब याद करते हैं उसे कि बहुत अच्छी थी वो, अच्छी है अभी भी है माशाल्लाह। ये मैंने मूली के पौधे लगाए हैं और कुछ ज़्यादा नहीं निकले, मैंने डाली तो पूरी एक पैकेट था, मगर वो जो है ज़्यादा निकले नहीं। शतावरी की भी डाल है मगर शतावरी की निकले नहीं, पता नहीं किस सीज़न में निकलेंगे। हमारी पड़ोसन भी अपने खेत खलियान को देख रही है, पौधे लगा रही है, ये बहुत मेहनत करती है, हम तो इतनी करते भी नहीं है पौधों के साथ। आप लोग शायद देख पाएँ वो अखरोट का दरख्त लगा हुआ है, देखो कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है तो बर्फ़ गिरी हुई है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखो भरा पड़ा है फूलों से, ऐसा लग रहा है स्नो गिरी है इसके ऊपर, बढ़िया खूबसूरत लग रहे हैं पौधे, फूल खिलेंगे कितने प्यारे लगेंगे माशाल्लाह से। ये सब मेरे मियाँ वहाँ पे वो लगा रहे हैं, किसके लगा रहे हैं आप, किसके पौधे लगा रहे हैं, बैंगन के, खीरे के, खीरे के पौधे लग रहे हैं उस तरफ। ये मैंने वायर दिख रहा होगा, हवाएं बहुत चलती हैं तो इस बेचारे को बांध रखा है। मुझे गुलाब बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत लगता है मुझे फूल। गुलाब का लाखों में हजारों में मुझे बहुत पसंद है सब कुछ माशाल्लाह। इफ्तारी का भी टाइम होने वाला है, 1 घंटा रह गया, लेकिन बादल बहुत है और बारिश धीमी धीमी गिर रही है, ठंडे ठंडे हो रहा है हाथ, बस अब जल्दी से जाएंगे हम अंदर। अब वो देखो एक ये हैगा चेरी का, इस पर भी देखो सफ़ेद फूल आएंगे, ये छोटी वाली है, इसका क्या नाम है आपका, बोरुनिसा, क्या नाम है इसका, लाल लाल दिन निकलती है बोरुनिसा, रेड बैरू ऐसा, वही बड़ा खूबसूरत लग रहा है फूल, ये सफ़ेद फूल है, सुभान अल्लाह, खट्टी बहुत होती है। मैं भी ला के लगाऊंगी, ये इसने भी अपने पौधे खाद बहुत कटिंग करी है, किसी को देने के लिए रोज़मेरी के पौधे बनाए हैं इसने सारे, ज़रा देखो